नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे प्रोफेसर सत्यजीत रथ के साथ कि कोविड 19 की इस वक्त डेल्टा वेरिएंट काफी फैल रहा है, फैल चुका है और अभी भी उसके ऊपर जांच पड़ताल जारी है कि इसका प्रभाव वैक्सीन से कितना रुक रहा है, सीरियस केसेस कितना रुक रहा है और लंबे अरसे के लिए इसका क्या प्रभाव हो सकता है। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम प्रोफेसर रथ के साथ बातचीत करेंगे। सत्यजीत, बहुत सारे शोध पेपर्स इस वक्त आ रहे हैं और हमारे लोग काफी इससे कंफ्यूज्ड है, क्या डेल्टा वेरिएंट सचमुच जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, वैक्सीन के कोई उस पर रुकावट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है और खास तौर से जो सीरियस केसेस है उसकी बढ़त डेल्टा वेरिएंट की जो होने के बाद क्या ज्यादा बढ़ा है और वैक्सीन से क्या ये रुक रहा है। तो दोनों अलग अलग सवाल है। तो मैं दूसरा सवाल पहले करता हूं कि डेल्टा वेरिएंट की सीरियसनेस क्या वैक्सीन से कम हुआ है और सचमुच वैक्सीन के बाद डेल्टा वेरिएंट की हॉस्पिटलाइजेशन की रेट्स क्या कम हुए हैं और कितना कम हुए हैं? तो आपकी टीके के बारे में जो आपने सवाल उठाए हैं प्रबीर, उनकी ओर पहले देखते हैं तो मैं ये कहना पसंद करूंगा कि जितने शोध निबंध निकले हैं, जितने आसार दिखाई दे रहे हैं, उनसे दो बातें साबित होती हैं। एक साफ बात साबित ये होती है कि दुनिया में जितने टीके हैं, यूरोपीय टीके हो, अमरीकी टीके हो, हिंदुस्तानी टीके हो, चीनी टीके हो, रूसी टीके हो, जितने भी टीके हैं उनमें से हर एक टीके का बहुत अच्छा असर कोविड 19 से होने वाली मौतों पर, कोविड 19 से होने वाली गंभीर बीमारियों पर हो रहा है। यहां तक के 80-90% से ज्यादा असर सुरक्षा का डेल्टा वेरिएंट से होने वाले कोविड पर हर एक टीके से आमतौर से देखा जा रहा है। पहला नतीजा ये हम सबने अभी तक जो सबूत सामने आए हैं उनसे निकालना जायज है। इसका मतलब टीके अगर लगाए जाए तो अस्पताल में पहुंचने का संभावना बीमारी के बाद भी कम है और ये मोटे मोटे आंकड़े जो है यही बता रहा। मैं थोड़ा इसमें बदलाव करना चाहूंगा, आपने जो कहा वो इसलिए कि जैसे ही हम पिछले साल भर से कहते आए हैं, हर एक शोध प्रणाली में, हर एक प्रोटोकॉल में अलग अलग व्याख्याएं इस्तेमाल हो रही हैं। चूंकि WHO का किसी ने माना नहीं तो हर एक अपनी अपनी छोटी छोटी शोध प्रणाली चला रहे हैं। तो इस वजह से अस्पताल में किसको दाखिल करें, किसको ना करें, ये भी सवाल, इसके जो नियम हैं वो भी अलग अलग हैं। तो इसलिए मैं ये थोड़ा और मोटे स्तर पे कहना चाह रहा हूं कि गंभीर जानलेवा बीमारी कोविड 19 की टीकों से बहुत कम होती है। बहुत कम यानी कि 80-90% से भी बहुत ज्यादा सुरक्षा जानलेवा बीमारी के खिलाफ पाई जाती है। इतना अपन कहें और यहीं पे उस बात को छोड़ें, उसको और आगे बढ़ाएं और ये देखें कि न्यूमोनिया किस हद तक होता है, नहीं होता, अस्पताल में दाखिला कितना होता है, कितना नहीं होता, इसमें काफी संदिग्धताएं पैदा होती हैं। गंभीर, इसलिए मैं उतना फर्क कर रहा, गंभीरता का माप उस तरह से कोई यूनिफाइड माप नहीं है, ये कहने का मतलब। जी, लेकिन ये हुआ आशा का मुद्दा कि जितनी पिछले साल की नस्लें लेकर विषाणु की टीके बने हैं वो इस साल की जो नस्लें हैं, जैसे कि डेल्टा वाली नस्लें, उनके खिलाफ जानलेवा बीमारी से सुरक्षा दिलाते हैं सारे टीके। लेकिन टीकों के हम दो काम सोचते हैं। एक ये है कि निजी सुरक्षा हो,
टीका लेने वाले व्यक्ति को, यानी कि उसकी जान ना जाए। दूसरा है एक सामाजिक नजरिया। उस नजरिए में ना सिर्फ जानलेवा बीमारी से बचाव हो, लेकिन यहां तक के संक्रमण से भी किसी हद तक बचाव हो, यानी कि मुझ में सौम्य बीमारी भी ना पैदा हो और मुझसे औरों तक संक्रमण ना पहुंचे। पिछले साल की नस्लों के खिलाफ सारे टीके इस दूसरे सामाजिक नजरिए से भी काफी असरदार थे। डेल्टा के खिलाफ वो असर बहुत कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा के खिलाफ वो बिल्कुल असरदार नहीं है, लेकिन सच्चाई ये दिखा रही है कि आम तौर से मोटे पैमाने पर वो असर कम हो रहा है डेल्टा के खिलाफ। और इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डेल्टा और टीकों को लेकर पहला सवाल पूछा, उससे अपन आपके डेल्टा के पहले सवाल की ओर जाएंगे कि अगर टीके लेने के बाद भी डेल्टा के संक्रमण पर टीकों का प्रभाव कम है, तो फिर डेल्टा के संक्रमण के बारे में अपन को सोचना पड़ेगा। ये दो, इस पे भी दो सवाल निकल के आते हैं। एक तो है आपने जो कहा कि संक्रमण जारी है, पर इसके साथ साथ ये भी आंकड़े आ रहे हैं कि संक्रमण सिर्फ जारी नहीं है, टीके लेने के बाद लग रहा था कि शायद इतने संक्रामक ये नहीं होगा, डेल्टा में देखा जा रहा है कि संक्रमण काफी ज्यादा है, दूसरे जो वेरिएंट्स है उससे ज्यादा, और इसीलिए वैक्सीन लेने के बावजूद भी संक्रमण का रफ्तार जो है, अगर आप बीमार पड़े तो दूसरों को संक्रमण करने का उतना ही शायद क्षमता हो जो पुराने नस्लों की थी। क्या यह सही होगा कहना? ना, इसमें अपन ने थोड़ा नाप के और आंकड़ों के स्तर पर सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जितना जिस रफ्तार से पिछले साल की नस्लों का संक्रमण हो रहा था, उससे ज्यादा रफ्तार में, तेज रफ्तार में डेल्टा का इस साल की नस्लों का संक्रमण हो रहा है। अब पिछले साल की नस्लों का जो संक्रमण हो रहा था उसमें काफी रोकथाम आई थी टीकों की वजह से, तो मान लीजिएगा यहां से यहां तक आई, लेकिन टीकों की वजह से डेल्टा का जो संक्रमण है वो यहां तक नहीं आया। वो सिर्फ वो कम अलबत्ता जो हुआ है, लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो ये आंकड़ों के स्तर पर अपन ने सोचना चाहिए, सिर्फ हां या ना के स्तर पर नहीं सोचना चाहिए। तो डेल्टा के संक्रमण के, इस साल के नस्लों के संक्रमण पे टीकों का असर जरूर हो रहा है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना पिछले साल की नस्लों के संक्रमण पर टीकों का असर हो रहा है। डेल्टा के बारे में और भी कुछ सवाल आ चुके हैं। ये है कि थोड़ा सा और भी कुछ बदलाव अगर इसमें होता है तो शायद ये जिसको कह रहे हैं वैक्सीन एस्केप, उसकी तरफ जा सकता है। तो ये आंकड़े जो आ रहे हैं, इस कितने हमारे लिए गंभीर है और क्या हमको ये दर्शाता है कि हमारा वैक्सीन लगातार, हमको वैक्सीन बनाए जाना पड़ेगा, नए जैसे वेरिएंट्स निकल रहे हैं, नए वैक्सीन भी बनाना पड़ेगा, क्या हमको ही इससे ही सबक लेनी चाहिए? तो डेल्टा को लेकर दो बड़े सवाल अभी पिछले दिनों में सामने आ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि क्या डेल्टा से बीमारी की गंभीरता ज्यादा है, और इसका उत्तर हम पिछले 6 महीनों से जो बातें कर रहे हैं उसमें हमने बार बार कहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण अगर डेल्टा से बेहतर हो, तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा की जो नस्ल है वो शरीर की कोशिकाओं में ज्यादा आसानी से घुस पाती है। और अगर यह है तो अपन ने यह भी समझना चाहिए कि यह जो गुणधर्म है इसकी वजह से शरीर में
मेरे शरीर में एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचने में भी डेल्टा वाली नस्लें ज्यादा प्रभावपूर्ण रहेंगी, ज्यादा आसानी से फैलेंगी। और अगर यूं है तो उसका मतलब ये है कि ये जो आसानी से दो व्यक्तियों के बीच संक्रमण करने वाली नस्लें थोड़ी बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता रखती हैं। और जो नए आंकड़े पिछले दिनों में सामने आ रहे हैं वो सब यही दर्शाते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि थोड़े पैमाने पर डेल्टा से निर्माण होने वाली बीमारी में गंभीर बीमारी का प्रमाण बढ़ता है। वो ये नहीं दिखाते कि डेल्टा में जादुई बदलाव होके अब डेल्टा जैसे सार्स हो या इबोला हो उस तरीके की गंभीर बीमारी पैदा करता है ना, लेकिन गंभीर बीमारी का प्रमाण थोड़ा बहुत बढ़ता है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो भविष्य का और टीकों के साथ जुड़ा हुआ जो आपने उठाया वो ये है कि अभी तक तो अपन सोच रहे हैं कि पिछले साल की नस्लों पर के टीके डेल्टा से जानलेवा बीमारी से बचाव देते हैं, लेकिन डेल्टा में भी बदलाव होते जाएंगे, उनमें भी जैव विकास होते जाएगा, एवोल्यूशन होते जाएगा, सिलेक्शन होते जाएगा। और अगर यूं है तो चंद हफ्तों महीनों में डेल्टा में अब ऐसे बदलाव आएंगे जिनकी वजह से टीकों की असरदारी और कम होते जाएगी, यहां तक के नए टीकों की जरूरत आन पड़ेगी। तो ये भी अपन पिछले महीनों चर्चे में बातें करते आए हैं कि ये तो होना ही है, क्योंकि ये आम प्रक्रिया है विषाणु और विषाणु की यजमान प्रजाति के दरमियान की। तो आज न कल ये होना है, कितनी जल्दी होगा? तो हाल में एक दो शोध निबंधों में यूं कहा गया है कि अरे ऐसा बदलाव आन ही पहुंचा है। और मेरे मानने से ये जो नतीजा है और ये जो सोच है उसके लिए ठोस सबूत अभी तक नहीं है, और मैं नहीं मानता कि उन सबूतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये जो अब डेल्टा टीके की हद से निकल गया ये इस कदम पर अभी तक अपन पहुंचे नहीं है, जहां तक मेरी सोच है। सवाल लेकिन क्या भविष्य में ये होगा? होना तो है ही, संभावना बढ़ा है, पर उस नौबत अभी तक नहीं आई, प्रोफेसर रथ की यही कहना है। पर साथ साथ ये भी निकल के आता है कि जो लड़ाई है टीके और बीमारी की, जर्म वैक्सीन के जो वजह से हम को SARS-CoV-2 जीवाणु को हम रोकने की कोशिश कर रहे, ये लड़ाई जारी रहेगा। तो सचित आखिरी सवाल, इसका मतलब इस लड़ाई में हमको लगातार प्रयास जारी रखना पड़ेगा और नए वैक्सीन की हमारे नस्ल, जैसे नए नए जीवाणु की नस्ल बनेंगे उस तरह से हमें भी नए नए वैक्सीन की नस्ल लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा प्रवीर आपने, यहाँ तक के अभी जो वैक्सीन विकास करने वाली वाले शोध गुट हैं, कंपनियां हैं, उन सब में डेल्टा को लेकर अगली पीढ़ी वाला टीका, नेक्स्ट जेनरेशन वैक्सीन, अभी तो समझ लीजिएगा बन ही गया है, उसकी जांचें शुरू हो गई है, परख में थोड़े बहुत नतीजे अभी अभी निकल रहे हैं, आते हफ्तों महीनों में वो नतीजे आगे बढ़ेंगे। इसमें परेशानी ये है कि नई पीढ़ी का टीका अगर बनाए तो बनने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, परखने में लगता है कि क्या वो सचमुच डेल्टा के खिलाफ असरदारी दिखाएगा या नहीं। और खरी अड़चन ये है कि जब तक वो उस परख के नतीजे हाथ में आए, डेल्टा में और बदलाव होके आगे की नस्ल ना मिल जाए, तो ये यूं है ना कि हम अपनी रफ्तार बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर डेल्टा जैसी नस्ल उसेन बोल्ट निकली तो वो तो और आगे जाएगी। तो ये जो कैचअप का खेल है,
इसको लेकर थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि साल दर साल हमने जो पिछले 20-30 सालों से इन्फ्लुएंजा के टीकों को लेकर एक वैश्विक प्रक्रिया चलाई है कि हम नस्लों पर नजर रखते हैं, नस्लों को लेकर टीके चंद महीने पहले ईजाद कर लेते हैं, टीकों का विकास कर लेते हैं, परख कर लेते हैं, और साल दर साल जब जरूरत हो नई पीढ़ी के टीके काम में बाजार में लाते हैं, उसी तरीके की वैश्विक प्रक्रिया हमें डेल्टा के लिए अपनानी पड़ेगी, हमें कोविड के लिए अपनानी पड़ेगी। क्या हमारी पूंजीवादी व्यवस्था उस प्रक्रिया को समता के आधार पर दुनिया के सारे लोगों के लिए पहुंचाने में कामयाब रहेगी या नहीं, ये असली सवाल है। ये सवाल हम अगले बार इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत अहम सवाल ये है कि अगर एक राष्ट्र एक देश में 70% लोगों को दो टीके मिल चुके हैं, वहां पर अफ्रीका में 2.5% लोगों को दो टीके मिल चुके हैं, ये हमारे सामने आंकड़े हैं। हमारी उसके बीच की स्थिति है, एक टीका कम से कम 50% लोगों को इस वक्त टारगेट ग्रुप जो है पॉपुलेशन नहीं टारगेट ग्रुप में 50% हमको हिंदुस्तान में लगता है कि टीका मिल चुकी है। पर ये जब तक सब लोगों के पास टीके नहीं पहुंचेंगे, नए नए नस्ल पैदा होंगे और बीमारी की रफ्तार जारी रहेगी, ये हमारे सामने दुनिया के सामने खतरा है। और ये सिर्फ डिफरेंशिएशन अलग अलग जगह पे अलग अलग वैक्सीन की रफ्तार की नहीं, पैसे की भी बात है, किसके पास पैसे हैं किसके पास पैसे नहीं है। और जब तक पब्लिक हेल्थ को हम इस तरह इस समता के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, ये खतरा हमारे लिए जारी रहेगा। इसके बारे में बातचीत हम करेंगे अगली बार सत्यजीत आपसे। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे वेबसाइट पर भी आइए।